तो दोस्तों बहुत ही जल्द रियल मी अपना अपकमिंग स्मार्टफोन रियल मी एक्स टू लॉन्च करने वाला है, जो कि सक्सेसर होने वाला रियल मी एक्स का, जिसका रियल मी ने आज ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च कर दिया है। दोस्तों स्मार्टफोन को 24 सितंबर को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन से। दोस्तों रियलमी XT के जैसा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का डिजाइन, और रियलमी के X के जैसा इस स्मार्टफोन में कोई प्लास्टिक बॉडी देखने को नहीं मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ ग्लास बैक का डिजाइन, जो कि आने वाला है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड में देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाले किन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों रियलमी एक्स में हमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिला था। तो दोस्तों लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको एक शार्क फिन सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, जैसा कि ओप्पो रेनो सीरीज में हमें देखने को मिलता है, जो कि आने वाला 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि आने वाले एंड्रॉइड के 680 के GPU के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाला है आपको इस स्मार्टफोन में। और वहीं बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाला है वूक के 13W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन के रियर साइड की कैमरास की, तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है प्राइमरी 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, जैसा कि रियलमी XT में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, और मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन में आपको रियलमी का नया OS देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 2 RAM वेरिएंट, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग आपको इंडियन रुपीज के हिसाब से 20 से 21 हज़ार रुपये के करीबन देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 25,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें स्मार्टफोन के रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को 24 सितंबर को चाइना में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इस स्मार्टफोन को नवंबर या दिसंबर के महीने में इंडिया में भी लेकर आया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।